क्या बात है, आप सब लोग इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? भाभी, हम आपके और इनके पतियों का तमाशा देख देख कर हंस रहे हैं। देखिए तो क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछने आई कि आप लोग कुछ खाएंगे, मैं कुछ लेकर आऊँ? बिल्कुल नहीं, तुम ही हमारे साथ बैठो और मजे करते हैं। हाँ भाभी, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप हमारे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करिए। चलिए आप थोड़ी देर यहाँ। जाने दो रश्मि, पता चले नैतिक और ये भीड़ भाड़ से दूर कहीं अकेले में जाना चाहते हो तो। ओह, अगर वो बात है तो I'm sorry, अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम लोग enjoy करो। मम्मा मम्मा चलो ना, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो आओ खेलते हैं। गुड जॉब लक्ष्य। हाँ ले जाओ सबको, सबको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। कर रहे नैतिक यहाँ पे? अपने हिस्से के पल चुरा रहा, जिन पे सिर्फ मेरा हक है। बाबूजी देख रहे हैं नैतिक, छोड़िए। अचानक से क्या हो गया इन्हें? बचेंगे नहीं। आप यहाँ बैठे, आप थक गए होंगे ना? हाँ भाभी माँ, भूख भी लगी होगी दद्दा जी को। मैं हाथ धो के नाश्ता लगाती हूँ। अच्छा बहू, तू नाश्ते का देख, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। आप लोग नाश्ता लेना शुरू कर दीजिए, मैंने लगा दिया है। अरे ये आप खाने वाने के चक्कर में कहाँ पड़ गए? अभी होली खत्म थोड़ी ना हुई। नैतिक आप खेलिए ना, मुझे नाश्ता। खाना आप मेरे बगैर खाने वाली? मैं अपने लिए नाश्ता नहीं लगा रही, दद्दा जी और बाकी सब लोगों के लिए लगा रही। ओके, लेकिन एक बात बताइए, आपने मेरा लगाया हुआ रंग क्यों उतार दिया? आपको मुझसे प्यार नहीं है? नैतिक प्लीज हाथ छोड़िए, मैंने अभी अभी हाथ धोए नाश्ता लगाने के लिए। अच्छा ठीक, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नहीं नहीं, आपके हाथ गंदे हैं, मैं कर लूँ। अच्छा मैं कुछ टच नहीं करूँ, वरना इनके खिटपिट शुरू हो जाएगी। पता है आप लोगों को, शादी के बाद सिर्फ मैडम की मर्जी, जो किया इनकी मर्जी से गुड, अगर नहीं किया तो खटरपटर चटरपटर सब एक साथ। एक्सक्यूज मी, मैं सबको नाश्ता देकर आती हूँ। अरे अक्षरा, मैं भी आपके साथ आता हूँ। अरे क्या हुआ पर? संभाल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हम बलून हैं। मैं गैस वाला बलून हूँ। मैं स्टोव वाला। नंदनी कहाँ गई? आ रही आ रही। हाँ भी नंदनी। आराम से। नंदनी आ गई। नंदनी मिल गई। वैसे ये क्या है? आपके बलून की हवा निकाल रही हो। शुक्रिया तो कहो, पुण्य से बचा लिया। अरे मतलब आप लोग को पता था हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, हमें शुरू से पता था कि आप दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। जी हाँ, और आप दोनों बहुत ही बुरे एक्टर्स हैं, इसीलिए पकड़े गए। अच्छा अगर हम लोग को सच में चढ़ी होती तो हम लोग क्या करते? मोहित जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। का शौर्य जादू, मुझे भी थोड़ी थोड़ी चढ़ रही है। मोहित, मोहित जी मुझे तो सच में चढ़ रही है। अब नन्नी दीदी वो तेज पिन तो दीजिए, अभी उतारते हैं इन्हें भी और इनकी भांग को भी। अच्छा जी। सॉरी सॉरी। हमला! रुको अनन्या, वहीं पर रुको, कोई मेरे पास नहीं आएगा।
छोड़ना मत सिपाहियों, अटैक मारो पायलट, छोड़ना नहीं, कमान कमान, नहीं 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 नहीं, बच्चों, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, अक्षरा और नैतिक जी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ही है ना भाभी? हाँ सो तो है, कुछ तो टाइम मिला दोनों को साथ में, वरना सुबह से इतनी भागदौड़ कर रहे थे। मतलब अगर अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताना हो तो भागदौड़ करनी पड़ती है। अरे नहीं नहीं दादू, आप ऐसे ही टाइम ले लीजिए ना। अब चलो नंदिनी, हम लोग चलते हैं। मोहित जी ये सही है, टाइम आपको भी चाहिए लेकिन बिल हमारे नाम का फाड़ेगा। अब नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलो नंदिनी चलो, बाय बाय। नहीं डुगू, बिल्कुल भी नहीं, खुद कोई कुछ नहीं करेगा। और नैतिक ये तो बच्चे हैं, आपको क्या हो गया है? इन्हें समझाने के बजाय आप खुद भी इनके साथ बच्चे बनते जा रहे हैं। तो आप खुद ही आके बाहर कह दीजिए। नैतिक मुझे बहुत काम है, मुझे सबको नाश्ता देना है, उसके बाद दादाजी की दवाई भी देनी है। प्लीज बंद करवाइए तमाशा। अक्षरा तमाशा तो तभी बंद होगा जब मैं आपको रंगा हुआ देखूंगा। क्यों बच्चों? बस बस ओके ओके ओके, स्टॉप इट बच्चा पार्टी, स्टॉप। चलो अभी जाओ सब लोग यहाँ से। जो हुक्म मेरे आका। बच्चा लोग आप क्यों मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हैं बेकार में? चलो जाओ यहाँ, गो 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 गो। अक्षरा सब लोग चले गए, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मुझे अंदर से कुछ चाहिए। पक्का ना नैतिक? हाँ आप ये देख लीजिए। अच्छा थोड़ा सा दरवाजा खोल के देख लीजिए, मेरे हाथ में तो देखिए रंग भी नहीं है, आप जानती हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। खोलिए खोलिए खोलिए। देखिए कोई भी नहीं, आके देखिए, नहीं यहाँ पे कोई कोई भी नहीं है। देखिए कोई भी नहीं है अक्षरा। आप ना नैतिक समझते नहीं है, वो लोग तो बच्चे हैं, वो ना समझे लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना, पूरा घर गंदा कर देंगे वो। मैं समझता हूँ, आप बेकार में इतना चिंता कर रही। देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं, सब लोग आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। हाँ आइए बाहर आइए ना, आइए 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 आइए। मैं सबको खा। जा रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो, देखो डरो मत, अरे मैं हूं यहाँ पर। राग यश वापस आओ, बहुत मजा आएगा, अभी तो मजा हुआ ही नहीं पूरा। अक्षरा वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ अक्षरा कि बच्चे चले गए, वरना आपके साथ मुझे ये टाइम कहाँ मिलता। छोड़िए मुझे नैतिक। आज नहीं अक्षर, आज कोई खिटपिट नहीं, ये तो रोमांस का टाइम है। वैसे आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं अक्षरा? मैं जब भी रोमांटिक मूड में होता हूँ आप मुझे भगा देती हैं। हैप्पी होली को थोड़ा सा और हैप्पी बना दीजिए ना। हो तो गई होली हैप्पी, देखिए कितनी हैप्पी हो गई है ना।
आपको जरा सा अंदाजा है कि आपने क्या किया है? अपने आसपास देखिए नैतिक, इस कमरे का क्या हाल करवा दिया आपने। आपको देखने से फुर्सत हो तब कमरे को देखूंगा ना। और ये क्या बेकार की बातें बीच में लेकर बैठ गया बख्श, देखना ही है तो मेरी आंखों में देखिए। नैतिक प्लीज। अक्षरा प्लीज। बहू कहाँ हो तुम? छोड़िए, माँ बुला रही है, नहीं तो वो यहाँ आ जाएंगी। छोड़िए। आप जवाब ही मत दीजिए, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। बस कीजिए नैतिक, बहुत हो गया। मैं नहीं जाऊंगी तो बच्चे बता देंगे माँ को कि मैं यहाँ पर। प्लीज नैतिक छोड़िए, छोड़िए माँ। अरे छोड़िए नैतिक। और मेहरबानी करके बाहर सबके सामने तमाशा मत कीजिएगा। खिटपिट शुरू हो गई ना आपकी फिर से। गई। माय वाइफ मिस बीवी खिटपिट, नहीं मिसेस खिटखिट सिंघानिया। खिटपिट सिंघानिया सही है। बहू तू कहाँ है बेटा? सब लोग नाश्ते का पूछ रहे हैं, मैंने तो शुरू। हाँ माँ, मैं अभी करवाती हूँ। नहीं गायत्री बहन क्या करना है मुझे बताइए, मैं करवा देती हूँ। नहीं नहीं राजी बहन, कोई काम नहीं है, बहू और मैं तो बस बात कर रहे थे कि नाश्ता लगवा देते। अच्छा गायत्री बहन, वो कुछ सोचा आपने कल से क्या करना है, मतलब क्लास के बारे में? मैं सोच रही थी कि हमने जितना सीख लिया उतना बहुत है, अब आगे जो भी सीखना है वो घर में अभ्यास करके सीख लेंगे, रोज रोज वहां जाने की क्या जरूरत है। देखिए घर में भी झूठ बोलना पड़ता है और वहां बच्चे मजाक उड़ाते हैं तो। यश उठ जा, उठ जा, उठ जा। दादाजी कहते हैं गिरते तो सब है पर ब्रेव वही होता है जो गिरते हैं पर वापस से खड़े होके भागने लग जाते हैं, तो तू ब्रेव है ना, तो चल उठ। बात तो सही है गायत्री बहन, जो राह हमने चुनी है वो उतनी आसान नहीं है, तो क्या आप ठोकर खाने के बाद उस राह से मुड़ जाएं या फिर आगे बढ़े? बहादुरी तो इसी में ही है। ठीक है तो आज ये बात तय हो गई, चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ तो प्रॉमिस। प्रॉमिस। आइए। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उदास है इतना? कुछ नहीं बस ऐसे ही, तेरा दही हो गया। अच्छा अक्षरा वो बताना। वो बेटा मैंने सबको कह दिया कि नाश्ता तैयार है, दही। हाँ सब बिल्कुल तैयार है माँ, आप बस शुरू करवाइए। डेट्स और पानी का अरेंजमेंट कर दे। हाँ बेटा। बेटा मैं एक बार और सबको बुला लाती हूँ। प्यार मिल जाए मिसेस खिटखिट का, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए, खिट खिट करना छोड़ दे और आ जाए मेरे पास, आ जाए मेरे पास, आए वो है सबसे प्यारी जो है मेरी बीवी, कैसे समझाए उसे ये, कैसे समझाए, मैं आऊं उनके पास पास और वो दूर दूर भागे। वो दूर दूर भागे। प्यार मिल जाए मिसेस खिटखिट का, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। क्या कर रहे हैं आप? आपसे मैंने पहले भी कहा था ना, क्यों यहाँ सबके सामने तमाशा कर रहे हैं? प्यार मिल जाए मिसेस खिटखिट का, प्यार मिल जाए, हाय ऐसा प्यार मिल जाए। पापा कितने बनी है ना मामा। क्या क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, जाओ वहाँ पे जाके खेलो।
जी संभालिए ना, इन्हें देखिए क्या किए जा रहे हैं। भाभी आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ क्या हुआ, क्या कर रहा है, क्यों गाना गा रहा है। गाना गाना यार। अच्छा चल। प्यार मिल जाए मिसेस खिट खिट। अरे बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, देखो रश्मि बुआ घूमर दिखा रही है, जाओ जाओ घूमर देखो। घूमर चल। प्यार मिल जाए। अरे मैं तो खिट खिट का प्यार में देख रहा हूँ, क्या कर रहा है, चुप। प्यार मिल जाए। मोहित जी कुछ कीजिए, संभालिए इन्हें, नहीं तो यहाँ सब लोग देख लेंगे। भाभी आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, आप पहले मेरी मदद करिए, हम इनको कमरे में लेके चलते हैं। आइए चलिए। ज्ञान दे यार, मिल जाए। मिस किट किट आइए ना आप। अरे ये क्या तूफान। हैप्पी होली अक्षरा। मैं मोहित हूँ, चल। मोहित अब, अरे लेकिन तू मुझे क्यों लेटा रहा है, मुझे अभी लेटना नहीं है। अरे यार अभी तो मुझे होली खेलनी है अक्षरा के साथ ना। भाभी अब आपको काम है ना। हाँ खाना देना है सबको। आप जाइए, इसे मैं देख लूंगा। नहीं मोहित जी आप भी चलिए, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भाभी अब ऐसी हालत में इसको अकेले नहीं छोड़ सकते, आप जाइए और नीचे किसी से कुछ कहिएगा मत। थैंक्स मोहित जी। प्यार मिल जाए मिसेस किट, प्यार मिल जाए। आप जाइए भाभी, मैं हूँ यहाँ पे। प्यार मिल जाए कर ले बेटा, अभी तुझे होश नहीं है ना, एक बार होश में आ, फिर अगर तेरे होश ना उड़ गया ना तो कहना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।